दिस इज़ द लिंक हीयर यू शुड डेफिनेटली फॉलो दिस लिंक यहाँ पे आपकी फ्री जो स्पेशल क्लास हैं प्लस प्लेटफॉर्म पर वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी कल हम बैंकिंग की एक क्लास करेंगे दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वी विल भी टेकिंग सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलॉन्ग विद समप्टो सो मेक श्योर दैट यू फॉलो मी ऑन दिस लिंक टू गेट एक्सेस ऑफ दोज क्लासेस इसके अलावा ये टेलीग्राम uh, का लिंक है यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दिस इज अबाउट टू डेज मोटिवेशन एवरी डे मे नॉट बी गुड बट देर इज़ समथिंग गुड इन एवरी डे दिस इज अबाउट द माइंड सेट दैट वी शुड हैव वी शुड स्ट्राइव टू डेवलप अ काइंड ऑफ पॉजिटिव माइंड सेट दिस शुड बी डेफिनेटली आर फोकस कि हर uh, कितना भी हमारा ख़राब दिन हो कुछ ना कुछ अच्छा भी हम ढूंढने का प्रयास करें जो चीज़ें अच्छी नहीं रही हैं वहाँ से लर्न करने का प्रयास करें कुछ सीखें फाइन uh, ये हमारा ओवरऑल फोकस होना चाहिए so, एक एंत के साथ हमें uh, पूरे दिन को uh, यहां पे देखना चाहिए आगे मूव करते हैं और ये अब एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए अनाउंसमेंट यहां पे है यू हैव दीज काइंड ऑफ वेरी गुड वैल्यू एडिशन फॉर यू ऑल यहाँ पे आपको uh, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं जितने भी फाइन तो प्रोलिम्स के अंदर uh, जो प्रैक्टिस है उसका बहुत बड़ा रोल होता है तो ये जो प्रैक्टिस बुकलेट्स हैं इसमें थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन हैं हर सब्जेक्ट की अलग बुकलेट आपको बना के दी है जैसे पॉलिटी है अब इसमें भी सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पे एम मिल जाएंगे एम मिल जाएंगे टॉपिक वाइज जैसे पार्लियामेंट है उसके अलग हो गए है ना एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए अलग से बुकलेट है साइंस एंड टेक की अलग है तो ये आपको टॉपिक वाइज एम मिलेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी ठीक है आपका रिविजन भी बहुत एफिशियट हो जाएगा और जिस तरह की प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए प्रो वे में उसमें यह हेल्प कर रहा है तो ये अकेडमी की तरफ से लॉन्च की गई है एंड इफ़ यू टेक द सब्सक्रिप्शन बिफोर ट्वेंटी फिफ्थ ट्वेंटी फिफ्थ से पहले अगर आप लेते हैं सो यू विल बी गेटिंग ऑल दिस बुकलेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अलावा सी एस सी एश्योर में अगर आप दो साल या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं स्पेशली जो दो हज़ार चौबीस वाले बच्चे हैं एंड यू आर नॉट अनफॉर्चुनेटली आर नॉट एबल टू क्लियर यू विल बी गेटिंग वन ईयर एक्सटेंशन फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट करेंगे पी डी एफ आपको सेशन के यहाँ पर मिल जाएंगे जी एस पेपर टू से स्टार्ट करते हैं और ये जो पूरा इशू है फ़ोन टेपिंग वाला इशू है और यहाँ पे महाराष्ट्र में ये इशू चल रहा है जहाँ पे एक आईपीएस ऑफिसर है उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि आपने जिस तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स के फोन टैप किए 2019 के अंदर वो सही नहीं था और अभी हमें आपके ऊपर कार्रवाई करनी है तो महाराष्ट्र में स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस आ, ये जो आई ऑफिसर है इनको बचा रही है तो ये पूरा मैंने कॉन्टैक्ट्स आपको बताया है हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जो पूरा इंसिडेंट है ये जी पेपर फोर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जी एस पेपर फोर के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा क्योंकि जो केस स्टडीज यहाँ पे आती हैं आपके लिए केस स्टडी यहाँ पे बन सकती है तो यू शुड डेफिनेटली भी अवेयर डेफिनेटली इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन से ऐसे लॉज हैं जिसके अंदर में ये किया जाता है प्रोलिम्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जिनको ये पावर है कि वो फ़ोन टैपिंग के लिए ऑर्डर दे सकती है क्या ये पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है भी या नहीं है क्यों फ़ोन टैपिंग की जाती है किन केसेज में की जाती है सो so ये सब चीज़ें आपको जानना जरूरी है अगर केस स्टडी पे क्वेश्चन है या फिर प्लिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हमारे पास है लेट जस्ट लुक योर कमेंट्स आर नॉट विजिबल गाइज राइट टू प्रिवेसी भी यहाँ पे रहेगा बिल्कुल है राइट टू प्रिवेसी की भी हम चर्चा करेंगे है ना राइट टू प्रिवेसी में क्या है कि आपका एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल ट्वेंटी वन लेकिन राइट टू प्रिवेसी या कोई भी फंडामेंटल राइट right है वो एब्सोल्यूट नहीं है है ना इसको ध्यान रखिए कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं जिसके केस के अंदर वो राइट right आपका ओवर कर जाएगा है ना लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में तो यही चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे और फोन uh, टैप इंडिया में होते कैसे हैं देखिए पहले तो जो लैंडलाइन फ़ोन वगैरह होते थे केबल कनेक्शन वाले उसके अंदर अलग होता था तो वहाँ पे आपको क्या करना होता था एक सर्किट को जोड़ना होता था और जो ऑडियो सिग्नल है वो आपका मिल जाता था अभी ज़्यादातर कॉल मोबाइल फ़ोन से हो रही हैं तो मोबाइल फोन के केस के अंदर क्या करते हैं ये एक्सचेंज जो हैं वो डिजिटल हो चुके हैं ऑथॉरिटीज़ क्या करेंगी जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, है ना सर्विस प्रोवाइडर उसको एक रिक्वेस्ट भेजेंगी और सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से जो भी कन्वर्सेशन है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा रियल टाइम के अंदर थ्रू द कनेक्टेड कंप्यूटर्स तो अभी क्या हो रहा है कंप्यूटर की हेल्प से ये फ़ोन टैपिंग वाला पूरा इशू किया जा रहा है मोबाइल फ़ोन और ये सब चीज़ें और यहाँ पर जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसको एक रिक्वेस्ट भेजी जाएगी उसके बेसिस पे ये फोन टैपिंग आपका पूरा चलता है और सर्विस uh, प्रोवाइडर मतलब जो भी हैं uh, जो भी मोबाइल फ़ोन कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है स्टेट के अंदर पुलिस को ये पावर है कि वो फोन को टैप कर सकती है स्टेट के अंदर ओके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ऐसी दस एजेंसीज हैं जिनको ये पावर है तो स्टेट गवर्नमेंट या मतलब स्टेट की जो पुलिस है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पूरा मैकेनिज्म है उस हिसाब से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की इन दस एजेंसीज इनके अलावा बाहर कहीं पे भी फोन टैपिंग का इंस्टांस होता है तो वो क्या है इन है सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी मेन एजेंसीज हैं जितने भी हैं आई भी हो गया रॉ हो गया सी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है ये सब इसके अंदर आ जाएंगे ठीक है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और ये एन है जितने भी है दिल्ली पुलिस कमिश्नर तो मेजर में जो एजेंसीज हैं दस सेंट्रल की वो इसमें आ गई और स्टेट गवर्नमेंट आ गई अब लॉ कौन सा आएगा यहाँ पे इंडियन टेलीग्राफ एक्ट यहाँ पे आएगा इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 इसको कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है लेकिन इंडियन टेलीग्राफ एक्ट यहाँ पे क्या कहता है इसका सेक्शन फाइव है जो क्या कह रहा है एनी पब्लिक इमरजेंसी और द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी या फिर यूनिटी सॉबरिटी है पब्लिक ऑर्डर की अगर हम बात करें फाइन यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पब्लिक सेफ्टी की यहाँ पे चर्चा हो रही है हमारे फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट्स तो आप देखोगे जो फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स जो हम पढ़ते हैं उसी के अनुसार अगर आप देखेंगे वहां पे कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं जैसे आर्टिकल नाइनटीन के के केस में हम देखते हैं कि आर्टिकल नाइनटीन एब्सोल्यूट नहीं है किस केस में आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको ओवर किया जा सकता है दीज आर सम ऑफ द थिंग्स

ट्रांसमिशन हैज बीन प्रोहिबिटेड अंडर द सबसेक्शन अगर कोई पर्टिकुलर कम्युनिकेशन है जिसको प्रोहिबिट किया गया है उसके अलावा आप नहीं करोगे तो प्रेस को ये फ्रीडम दी गई है क्योंकि अगर मीडिया प्रेस के ऊपर ये टैपिंग वाला इशू हो जाएगा सो so डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है, है ना तो ये एक एक्सेप्शन भी यहाँ पे ऐड किया गया है अंडर दिस इंडियन टेलीग्राफ एक्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मस्ट रिकॉर्ड द रीजन फॉर टैपिंग इन राइटिंग अब यहाँ पे आपको राइटिंग के अंदर रीज़न देना है पूरा लेटर जाएगा बाकायदा आपके पास प्रूफ होगा कि आपने फ़ोन टैपिंग का ऑर्डर इशू किया था फोन टैपिंग के लिए आपने ऑर्डर दिया था क्यों दिया था उसका रीज़न वहाँ पे रहे, मैंशन रहेगा ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे ऑथोराइज आथर, कौन करता है फोन टैपिंग को तो अगेन वी हैव दिस इंडियन टेलीग्राफ रूल 2007 थाउजेंड सेवन जहाँ पे फोन टैपिंग जो है ऑर्डर इशू किए जाएंगे अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो वहाँ पे जो सेक्रेटरी हैं इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय के जो सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पे ऑर्डर इशू करेंगे इन केस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेक्रेटरी जो है गृह मंत्रालय स्टेट के जो है स्टेट के केस में वहाँ पे उनके होम जो डिपार्टमेंट है उसके सेक्रेटरी ऑर्डर इशू करेंगे द ऑर्डर हैज़ टू बी कन्वे टू द सर्विस प्रोवाइडर इन राइटिंग राइटिंग के अंदर ऑर्डर लेना बहुत जरूरी है और ये चीज़ केस स्टडी में भी आप लिख सकते हैं कई बार क्या होता है आप कहीं पे सर्व कर रहे हैं मान लीजिए एस पी हैं जिले में या कहीं डी लगे हुए हैं या किसी भी और पोस्ट पर हैं जहाँ पर आपको पब्लिक डीलिंग इज ऑल्सो देयर सो आपको पॉलिटिकल uh, जो लीडरशिप है वहाँ से कुछ ऑर्डर आ रहा है एंड यू थिंक दैट दिस ऑर्डर शुड नॉट बी फॉलोड और दिस इज नॉट द राइट थिंग राइट थिंग टू डू कई बार क्या किया जाता है कई बार ये कहा जाता है कि आप मुझे ये राइटिंग में लिख के दीजिए है ना तो हम फॉलो करेंगे क्योंकि अगर आपने ओरल जो ऑर्डर्स है उनको फॉलो किया तो अल्टीमेट जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर है ब्यूरोक्रेसी पे अगर कुछ भी गलत होता है तो जिम्मेदारी आपकी है अगर राइटिंग में वहाँ से आगे से ऑर्डर आपके पास आता है सो यू आर फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस सो इन दिस केस जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो लीडरशिप पे चली जाती है तो वो चीज़ आपको देखनी है और अगर बहुत ही गलत चीज है सो यू नीड नॉट टू मतलब यू नॉट नेसेसरली नीड टू फॉलो दैट पर्टिकुलर ऑर्डर क्योंकि आपको अल्टीमेटली क्या ध्यान रखना है लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इन चीज़ों को ध्यान में रख के आपको करना है तो ये राइटिंग में जो लिखा है ना इसका बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट uh, ये चीज है ओनली दैन कैन द टैपिंग बिगिन अगर वो राइटिंग में ऑर्डर आएगा सर्विस प्रोवाइडर के उसके बाद ही टैपिंग आपका स्टार्ट होगा वट आर द चेक्स अगेंस्ट द मिस यूज इसके मिस यूज़ के अगेंस्ट में क्या क्या प्रोविजन्स यहाँ पर दिए गए हैं देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे इसके अंदर लॉ में यही लिखा गया है रूल्स में यही मैंशन है कि अगर कोई और तरीका नहीं है, है ना केवल फोन टैपिंग ही ऐसा ऐसा तरीका बताया बचा है जिसके थ्रू हम ये uh, सब जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव कर सकते हैं देन ओनली यू शुड गो फॉर दिस सेकंड है यहाँ पे पहले कोई आ, आ, अगर आपने एक बार डायरेक्शन दे दिया तो फिर ये जब तक आप रिवोक नहीं करोगे आपने फ़ोन टैपिंग का डायरेक्शन दिया जब तक आप उसको मना नहीं करते हो तब तक वो चालू रहेगा अब यहाँ पे एक और क्लॉज ऐड कर दिया कि एक्सीड नहीं होगा सिक्सटी डेज के ज़्यादा और अगर आप इसको एक्सटेंड करते हो रिन्यू करते हो तो टोटल वन डेज से ज़्यादा आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते मतलब पहले अनलिमिटेड था अभी इसको सिक्सटी डेज़ और वन डेज़ की लिमिट में रखा गया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रीजन यहाँ पे देने होंगे अब ये रीज़न इन्होंने दिए हैं अब होगा क्या फोन टैपिंग के रिगार्डिंग ये जो रीजन वगैरह हैं पूरा ये रिव्यू कमेटी के पास जाएगा और रिव्यू कमेटी इसको रिव्यू भी कर सकती है कि ये जो रीज़न दिए गए हैं वाकई में जेन्यून हैं या नहीं है तो ये रिव्यू कमेटी के पास भी जाएंगे और इस तरह से रहेगा देखिए ये जो फोन टैपिंग वाला इशू है ये कोई नया इशू नहीं है ये जो यहाँ पे महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं आपको याद होगा कुछ महीने पहले राजस्थान के अंदर भी इस तरह के इश्यूज चले थे जहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके फोन को टैप किया गया था और पूरी कॉन्ट्रोवर्सी रही थी फाइन तो उस कॉन्टेक्स में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए थोड़ा सा हम इसको अच्छे से देख रहे हैं सेंटर के अंदर क्या होगा कमेटी इज हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी और अगर स्टेट हैं तो वहां पे जो चीफ सेक्रेटरी हैं विथ लॉ एंड होम सेक्रेटरी मेंबर्स तो वो कमेटी को हेड कर रहे हैं मतलब कमेटी एक काफ़ी एम्पावर्ड कमेटी है हाई लेवल कमेटी है जो इसको रिव्यू कर सकती है ऑर्डर्स को अगर कुछ गलत है तो उसके अकॉर्डिंग कार्यवाही होगी वो जो टैपिंग वगैरह की इंफॉर्मेशन है उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा वो सब चीज़ें हैं तो कुछ इसके लिए चेक मेंशन किए गए हैं चेक मेंशन किए गए हैं देर आर मल्टीपल प्रोविजन एम्ड एट कीपिंग द प्रोसेस ट्रांसपेरेंट प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट रखने का भी प्रयास किया गया है बट स्टिल uh, हम देख रहे हैं किस तरह से इश्यूज उठ रहे हैं ट्रांसपेरेंसी किस चीज में है डायरेक्शन फॉर इंटरसेप्शन आर टू स्पेसिफाई द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर और द अथॉरिटी जिनको ये इंटरसेप्टेड कॉल डिस्क्लोज करनी है मतलब जब वो राइटिंग के अंदर उनके पास जाएगा तो वहाँ पे लिखा होना चाहिए कि, कि किसको आपको ये इंटरसेप्टेड क्लॉल कॉल जो है वो आपको डिस्क्लोज करनी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होंगी अंडर दिस टेलीग्राफ एक्ट एंड द डायरेक्शन हैज़ टू बी कन्वे टू डेजिग्नेटेड ऑफिसर ऑफ़ द सर्विस प्रोवाइडर इन राइटिंग बाई एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द एस एडिशनल एस तो एक सीनियर जो ऑफिसर हैं रैंक के ऑफिसर हैं उनको ये करना है जहाँ तक सर्विस प्रोवाइडर हैं वो भी कुछ इंटरनल चेक्स यहाँ पर इंश्योर करेंगे ताकि जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं है ना वो गलत यूज ना करें आ, बिना किसी के इस तरीके से आप फोन टैपिंग कर रहे हैं तो वो सारा इंटरनल मैकेनिज्म भी सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा किया गया है ताकि अनऑथोराइज इंटरसेप्शन ना हो कुछ करप्शन जैसा केस यहाँ पे ना हो आ, सर्विस प्रोवाइडर में बी फाइंड और इवन लूज इट्स लाइसेंस तो बहुत ही स्ट्रॉग प्रोविजन यहाँ पे दिए गए हैं तो ये सारा प्रोसेस है जिसको आपको ध्यान रखना है फोन टैपिंग के रिगार्डिंग तो अगर इस पर कोई भी केस स्टडी बनता है तो यू विल भी हैविंग द कॉन्टेंट है ना यू विल भी हैविंग दिस बेसिक आइडिया कि कैसे फोन टैपिंग इंडिया में होता है क्या प्रोविजन है इसका मिस यूज़ रोकने के लिए क्या प्रोविजन है आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए तो वो आप अपना ओपिनियन उस केस के अकॉर्डिंग बना पाएंगे ठीक है नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल रिलेशन और अभी यूके का चल रहा है यूके पे हमने अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल भी किया था उसको इम्पोर्टेंट है और ये आज न्यूज है बोरिस uh, जॉनसन जो है इंडिया के विजिट पे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये विजिट है और हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद में काफ़ी हाई लेवल विजिट्स इंडिया में हो रही हैं चाहे यूएसए की तरफ से हो चाइना की तरफ से हो रशिया की तरफ से हो या फिर यूके की तरफ से हो और ये सारे जो हैं मेजर पावर्स हैं है ना यू के अंदर परमानेंट मेम्बर्स हैं तो क्या यहाँ पे हुआ है एक बार इसको थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं इसका पूरा एनालिसिस भी हम करेंगे डेफिनेटली लेकिन अभी के लिए एक ओवरव्यू देख लेते हैं क्या है नीड नॉट टू नेसेसरली मतलब uh, जरूरी नहीं है कि आप uh, इसको पूरे को लिखने की प्रयास करें इसको समझ लीजिए अभी हुआ क्या है क्योंकि इसका पूरा एनालिसिस होगा वंस दिस विजिटेड इड ओवर और uh, जो आर्टिकल्स हमारे पास आएंगे तब हम इसको पूरे पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे अभी इसके अंदर क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ यहाँ पर इंडिया और यू के बीच में जो कॉपरेशन uh, है एक तो दोनों लीडर के बीच के अंदर काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग यहाँ पर दिख रही है ना अगेन दिस इज देर इज अज थिंग हीर क्योंकि देखिए यूके ने यहाँ पे ऐसा नहीं किया है कि इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया है या जो इंडिया का रशिया यूक्रेन वॉर पे जो आ, पूरा ओवरव्यू है जो नज़रिया है उसको लेके इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया है ऐसा कोई चीज़ नहीं हुआ है और इंडिया ने भी अभी भी रशिया को जो है इस तरह से कंडेम नहीं किया है हालांकि हम यही कह रहे हैं कि वायलेंस को रोकना चाहिए बातचीत के थ्रू इसका हल होना चाहिए अब हमारे दोनों देशों के जो इंटरेस्ट कन्वर्स हो रहे हैं कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं देखिए ट्रेड है डिफेंस एडवांस टेक्नोलॉजी क्लीन एनर्जी क्लाइमेट चेंज रीजनल कोलाबोरेशन इन सब चीजों पे हमारे इंटरेस्ट कन्वर्ज हो रहे हैं ये सब चीजें जो हम कर रहे हैं वो ऑलरेडी एक आर्टिकल में हमने किया हुआ है इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको लिखने की जरूरत नहीं है बट यू शुड बी हैविंग अ बेसिक आइडिया ग्रोइंग कन्वर्जेंस है और दोनों ने एक दूसरे को रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बारे में ब्रीफ किया है हालांकि उस पर यह कोई पब्लिक स्टेटमेंट तो नहीं है इंडिया ने यही कहा कि सीज सीजफायर यहां पे होना चाहिए अब दोनों यहां पे चाहते हैं यूके यहां पे चाहता है कि एक्सटेंडेड सॉरी एनहांस्ड ट्रेड पार्टनरशिप ई जो कि एक तरह का क्या होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा देखिए यूके जो है यूके ब्रेग्जिट हो चुका है ब्रेग्जिट हो चुका है यूके जो है यूरोपियन यूनियन से हट चुका है अब यूके पे ये प्रेशर है कि वो कैसे अपने आप को जो है फोर फ्रंट पर लाता है आगे बढ़ता है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो वहाँ पे वो चाहेगा कि इंडिया जैसी जो इमर्जिंग इकोनॉमी है उसके साथ अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो फाइनेंशियल हब है यू और डेफिनेटली उसको बहुत सारे एडवांटेजेस होंगे तो इसलिए यूके चाह रहा है कि इंडिया के साथ वो जल्दी से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करें <coughs> इंडिया कह रहा है डेफिनेटली हम करेंगे क्योंकि रिसेंटली हमने यूए के साथ किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ जिस तरह से कंक्लूड किया है बहुत जल्दी से तो उसी वही तेजी हम यहां पे दिखाएंगे और वी आर होपफुल कि दिवाली तक ये पूरा फाइनलाइज हो जाए तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट यहां पे रहेगा इसके अलावा अगर हम बात करें एक मेजर जो है वो है डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर यूके कह रहा है कि डिफेंस इक्विपमेंट जो है उसको बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो हम इंडिया को देंगे ठीक है जिसके ऊपर आज हम बहुत ज़्यादा रशिया पे निर्भर हैं तो वहां पे एक अल्टरनेटिव देने का प्रयास कर रहा है कि फ्यूचर के अंदर अगर देखा जाए फ्यूचर के अंदर अगर, अगर देखा जाए तो एक अल्टरनेटिव यहाँ पे रहेगा तो ये इंडिया के लिए अच्छा है मेक इन इंडिया के परस्पेक्टिव से सेल्फ रिलायंस के प्रस्पेक्टिव से ठीक है हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ गुड थिंग हियर क्लीन एनर्जी प्रमोशन के लिए भी और क्लाइमेट चेंज पे भी हमारे कॉपरेशन की बात हुई है सो दीज आर सम ऑफ द थिंग इंडियन डायस्पोरा काफी ज्यादा यहाँ पे है सिविल सोसाइटी का इंगेजमेंट काफी अच्छा है यूके से तो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की चर्चा यहाँ पे की गई है नेक्स्ट <coughs> आते हैं इंडियन इकोनॉमी पे और ये आर्टिकल जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कल आई बी सी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ये इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जिस पर डेडिकेटेड क्वेश्चन बन सकता है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है क्या इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं इस आर्टिकल पे आने से पहले ये काफी टेक्निकल सेंस में लिखा है सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है वो टेक्निकल एनालिसिस आपको नहीं जानना है हाँ लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने यहाँ पे ली हैं उस पर हम आए उससे पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड में क्लियर कर दू कि इंसॉल्वेंसी बैंकसी कोड होता क्या है फाइन जैसे मान लीजिए कोई फर्म है कोई कंपनी है इसने बैंक से लोन लिया इसने बैंक से मान लीजिए सौ करोड़ रुपए का यहाँ पे लोन ले लिया बैंक ने इसको लोन दिया अब ये फर्म है इसके डेट बढ़ते जा रहे हैं इसका कर्जा बढ़ता जा रहा है नाउ दिस फर्म इज नॉट एबल टू रिपेट डेट तो कैसे इस फर्म से जो पैसा वापस लिया जाएगा है ना उस उस उन चीज़ों से रिलेटेड एक लॉ है तो इंडिया में पहले इस चीज़ से काफ़ी सारे लॉ थे ये जो फर्म है जहाँ पे इसके डेट बढ़ गए हैं असेट कम है या असेट इतने से रह गए हैं और डेट बढ़ते जा रहे हैं तो इस जो डिस्ट्रेस की सिचुएशन है इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की जो सिचुएशन है इसे हम नाम देंगे इंसॉलवेंसी इंसॉलवेंसी मतलब ये जो कंपनी है ये अपने कर्जे को चुका पाने की स्थिति में नहीं है दिस इज़ अ काइंड ऑफ इंसॉल्वेंसी हियर बैंक में क्या होगा एक कोर्ट ऑर्डर रहेगा जो ये इंश्योर करेगा कि कैसे पूरा प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट किया जाए कि ये जो कंपनी है ये अपने कर्जे को जिससे भी लिया है उसको चुका सके मतलब अपने क्रेडिटर को वापस से वो पैसा चुका सके तो वो होगा बैंक तो आई जो है इंसॉल्वेंसी बैंक जो कोड है ये 2016 में बनाया गया क्योंकि पहले बहुत सारे अलग अलग लॉज और इस तरह से अलग मैकेनिज्म थी उन सबको आपका हटा के या फिर एक कंसोलिडेट करके आपने क्या बना दिया एक लॉ बना दिया और उसको नाम दिया इंसोल्वेंसी बैंक कोड 2016 में ये बनाया और इसके अंदर आपके 255 सेक्शन 11 शेड्यूल्स हैं और ये क्या है वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर रिजॉल्विंग द इन्सोल्वेंसी इंसॉल्वेंसी को रिजोल्यूशन करने के लिए जहां पे जो फर्म्स हैं जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस फील कर रही हैं फेस कर रही हैं उन उनसे कैसे उनको कैसे रिवाइव करना है पाइन उनको कैसे रीऑर्गेनाइज़ करना है ये सब चीज़ें देखी जाएगी और उनको रिवाइव करके या फिर अगर उनके सेट का लिक्विडेशन होगा जैसे भी करके उस पैसे को वापस लेना तो इसमें दो तरह के पूरे प्रोसेस होते हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तो आप समझ ही गए होंगे ऑब्जेक्टिव यही है कि फर्म का जो पैसा उन्होंने लिया है उसको वापस देना बैंकों को ताकि बैंकों का एन कम हो सके क्योंकि बैंकों का एन बढ़ जाएगा तो बैंक आगे पैसा नहीं देंगे क्रेडिट सप्लाई कम हो जाएगी तो क्रेडिट सप्लाई को बनाए रखना दीज आर सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स अभी काम कैसे करेगा इसको थोड़ा समझ लीजिए इंसॉल्वेंसी बैंक कोड इसके अंदर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन है पहले क्या होता था इंसॉल्वेंसी की जो प्रोसीडिंग चल रही है मतलब फर्म जो है कैसे अपना पैसा चुकाएगी क्या करना चाहिए क्या इसके जो फर्म के असेट्स है उसको बेच देना चाहिए मतलब लिक्विडेशन होना चाहिए या फिर कुछ रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जहाँ पे फर्म के कुछ ऑपरेशन एक पर्टिकुलर सेक्शन को बंद कर दिया जाए जहाँ पे लॉस ज़्यादा हो रहा है जहाँ पे प्रॉफिट की संभावना है उसको स्टार्ट किया जाए ये सारी जो चीज़ें हैं है ना ये सारे जो परमोटेशन कॉम्बिनेशन आप कह लीजिए क्या अच्छा करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सारे जो डिसीजन होंगे ये यहाँ पे पूरे रिजोल्यूशन प्रोसेस में इंक्लूड होंगे और कैसे ये पूरा चीज होगी है ना इसके लिए डिसीजन कौन देगा इसके लिए आपके दो ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं है ना दो ट्रिब्यूनल बने हुए हैं एक है एन सी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और एक है आपका डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल क्या करता है कोई इंडिविजुअल या जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं है ना उनके उन्होंने कर्जा लिया है उसको डील करेगा लेकिन जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स हैं उनके लिए जो पूरा डील करने की चर्चा है वो एन करता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ये है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इसके पास क्या आएंगे इसके पास वो केस आएगा मान लीजिए जिस कंपनी ने लोन लिया है है ना जिस बैंक से इंस्टीट्यूशन से लोन लिया तो वो केस यहाँ पे आएगा फिर ये डिसाइड करेगी कि क्या होना चाहिए रिजोल्यूशन प्रोसेस कैसे आगे जाना चाहिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को अपॉइंट किया जाएगा जो सर्टिफाइड प्रोफेशनल है वो यहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे कंपनी में फिर वो कंपनी में डिसीजन लेंगे कि हाँ अच्छा कंपनी का ये सेक्शन है ये लॉस में चल रहा है चलो इसको बंद करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट की संभावना है यहाँ पर स्टार्ट करते हैं ऐसा रीऑर्गेनाइजेशन अरेंज किया जाएगा अगर वो वर्क करता है तो ठीक है अदरवाइज कंपनी के अंदर कोई चांस ही नहीं है रिवाइव होने का है ना तो फिर उसके असैट को लिक्विडेट किया जाएगा मतलब बेचा जाएगा और उससे जितना पैसा रिकवर कर सकते हैं वो किया जाएगा तो ये सारी मैकेनिज्म सारे डिसीजन कौन लेंगे एनसीएलटी और डीआरटी <coughs> इनके ऊपर पूरा कंट्रोल रेगुलेटर का, का काम कौन कर रहा है इंसॉल्वेंसी बैंक्रॉपसी बोर्ड ऑफ इंडिया इट इज वर्किंग एज ए काइंड ऑफ रेगुलेटर हर चीज को वो देखेगा और ये ट्रिब्यूनल्स के थ्रू पूरा प्रोसेस चल रहा है अब ये जो पूरा प्रोसेस है जिसकी हमने चर्चा की है फाइन तो पहले इसमें कई साल लग जाते थे बहुत लंबा समय लग जाता था और बैंकों का पैसा रुका रहता था तो अब इंसॉल्वेंसी बैंक ने क्या किया ये इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन टाइम लिमिट लगा दी आपने क्या किया एक टाइम लिमिट यहां पे लगा दी और ये टाइम लिमिट क्या है कंपनी को ये प्रोसेस जो है कंप्लीट करना होगा 180 डेज के अंदर विद इन डेज में आपको करना होगा मतलब छह महीने में अगर आपको एक्सटेंशन लेना है तो 90 डेज का एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है ठीक है अब ये हो गया 270 डेज बट इन मैनी केसेस गवर्नमेंट ने एक और अमेंडमेंट किया और कहा कि अगर 270 डेज़ की लिमिट भी ब्रीच हो जाती है तो 330 दिन के अंदर तो आपको इसको करना ही पड़ेगा मतलब आपने क्या किया पहले कई साल लग जाते थे तीन साल पाँच साल ठीक है इस पूरे प्रोसेस में यहाँ पर गवर्नमेंट ने इसको कम करके एक साल विद इन वन ईयर करने का प्रयास किया है अभी भी लिमिट ब्रीच होती है है ना और इसी वजह से ये यह आर्टिकल यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो आर्टिकल हम पढ़ेंगे उसका कॉन्टेक्स्ट भी यही है लेकिन क्या पहले वाले रिजीम के तुलना में ये बेहतर है नहीं है वो सब चीज़ें भी हम देखेंगे तो पहले इसको समझ लें एक बार किस तरह से तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी और इंसॉल्वेंसी बैंक्रफ्टी इस तरीके से ये जो कोड है वर्क कर रहा है अभी एक और अमेंडमेंट पास किया गया था है ना आ, दो आ, के अंदर और ये क्या कर रहा है यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो एम सेक्टर है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं एम सेक्टर के लिए हम क्या करेंगे प्री पैक है ना ये प्री पैक इंसॉल्वेंसी वाला करेंगे ये प्री पैक द डायरेक्ट एग्रीमेंट तो देखिए जनरली क्या हो रहा है अभी तक हम जो बात कर रहे हैं कंपनी के बीच में मान लीजिए कोई कंपनी है और यहाँ पे ये बैंक है इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं है ना इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग चल रही है तो अभी क्या होगा यहाँ पे वो केस मान लीजिए एनसीएलटी में जाता है एनसीएलटी कहता है कि ठीक है कंपनी का जो मैनेजमेंट है आपके हाथ से कंट्रोल चला गया है अब जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हम अपॉइंट कर रहे हैं वो ये डिसाइड करेंगे कि कंपनी को कैसे रन करना है तो जो प्रमोटर्स हैं कंपनी के जिन्होंने कंपनी को शुरुआत किया है है ना जो जिन्होंने कंपनी को इतने साल चलाया है जिन्होंने कंपनी को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया या जो भी है उनके हाथ से पूरा कंट्रोल चला गया है नॉर्मल जो आपकी प्रोसीडिंग होती है कॉरपोरेट लेवल पे उसके अंदर तो यहां पे एमएसएमई सेक्टर के लिए प्री पैक वाला जो ये लाया गया इसके अंदर क्या होगा इसके अंदर ये कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट एग्रीमेंट कर लो और जो फर्म का मैनेजमेंट है या जो प्रोमोटर्स हैं उनके हाथ में कंट्रोल रहेगा क्यों यहां पे ये किया गया एक तो इसमें टाइम लिमिट कम हो गया लिटिगेशन वगैरह के चांसेस कम हो गए और यहां पे एक मौका दिया गया एमएसएमई सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में कि आपसे अच्छा और कौन जानता है जिन जिन लोगों ने मिलकर कंपनी को स्टार्ट किया उनसे अच्छा और कौन जानेगा तो आपको एक मौका दिया गया कि दोबारा से आप है ना बिल्कुल नई शुरुआत आप कर सकें ये एक मौका वहां पे दिया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस प्री पैक तो ये प्री पैक को कब अलाउ किया 2021 में एक अमेंडमेंट किया गया आईबीसी कोड 2016 में और ये प्री पैक केवल और केवल एमएसएमई सेक्टर के लिए लाए गए एमएसएमई सेक्टर के लिए ही क्यों लाए गए क्योंकि एमएसएमई सेक्टर इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी जी में थर्टी परसेंट कर रहा है जी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन थर्टी है ये चीजें याद रखी है ना ये हमेशा मैं कई बार इसको मैंशन करता हूँ एक्सपोर्ट के अंदर जो है इसका रोल कितना है लगभग फोर्टी एट परसेंट है और लगभग ग्यारह करोड़ लोगों को ये रोजगार देता है ये स्टेट रट लेना काम आ जाता है बहुत अच्छा इसमें कोई इतनी मेहनत वाली बात भी नहीं है तो दैट्स देट गवर्नमेंट हैज कम अप विद दिस अमेंडमेंट इन द आई कोड और जहाँ पे ये पैक वाला प्रोविजन लाया गया ठीक है अब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अब ये लाया गया आई कोड जो लाया गया इससे इंडिया को क्या फायदा हुआ देखिए आपने देखा होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली जो रैंकिंग है वर्ल्ड बैंक की तरफ से अभी तो डिसकंटिन्यू कर दिया क्योंकि चाइना ने जो मैनिपुलेशन वगैरह किए थे उसकी वजह से लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपने देखा होगा इंडिया की रैंक बहुत तेजी से ऊपर गई थी बहुत कम टाइम में इंडिया ने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया था क्यों किया था क्योंकि बहुत सारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिलेटेड इनिशिएटिव थे बट एक मेजर जो इनिशिएटिव था जिसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया वो क्या था आईबीसी कोड इंसॉल्वेंसी बैंक कोड 2016 ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था क्यों क्योंकि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली रैंकिंग डिसाइड होती है इसमें 10 पैरामीटर होते हैं और उसमें हमारी जो रैंकिंग थी रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी यहाँ पे जो हमारी रैंकिंग थी वो बहुत कमजोर थी इंडिया ने यहाँ पे बहुत अच्छे से इंप्रूव किया तो हमारी ओवरऑल रैंकिंग के अंदर बहुत अच्छा उछाल देखने को मिला सो so, ये रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी का मतलब आप समझ गए होंगे क्या यहां पे चर्चा हो रही है अब इस आर्टिकल पे आते हैं ये आर्टिकल कह रहा है ये मैंने आपको बेसिक क्लियर किया है मतलब ये आर्टिकल को समझने से पहले कम से कम इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आएगा यू शुड डेफिनेटली नो दिस फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ठीक है अब ये आर्टिकल क्या कहता है ये आर्टिकल कहता है कि इस कोड को क्रिटिसाइज किया जाता है मेनली थ्री काउंट्स पे क्या क्या है एक तो इसके अंदर ये आपका आईबीसी कोड आ गया फिर भी डिले हो रहे हैं फिर भी यहां पे काफी सारे डिले हैं ये जो टाइम लाइन है 270 डेज का 330 डेज का इसको ब्रीच किया जाता है काफी सारे इंस्टांसेस हैं जहां पे ये ब्रीच हो रहा है दिस इज ट्रू इन लेकिन हम देखेंगे कि क्या इससे डिले होने का मतलब है क्या कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ ये देर हैज बिन मोर लिक्विडेशन देन रिजोल्यूशन लिक्विडेशन का क्या मतलब है आपने कंपनी के सारे जो असर्ट्स हैं उनको बेच दिया क्योंकि यहां पर रिजोल्यूशन में तो क्या होगा रिजोल्यूशन में ये होगा कि आप वर्क करेंगे कि कंपनी को कैसे रिवाइव किया जाए वापस से कैसे इसको प्रॉफिटेबल बनाया जाए

Uh, वो मैं एड एक्स्ट्रा कर दूंगा आर्टिकल के अलावा लेकिन इस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है कि क्या वाकई में इनऑर्डिनेट डिले हो रहे हैं तो ये कंपैरिजन करते हैं कि आईबीसी जो कोड आया था उससे पहले सिस्टम कैसे था तो उससे पहले अगर आप देखोगे ये बी आई एफ आर रिज्यूम हुआ करता था बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शन ये एक इंस्टीट्यूशन था जिसको 2016 में स्क्रैप कर दिया गया हटा दिया गया तो इसके अंडर में जिस तरह से चीजें चल रही थी उससे अभी आप कंपैरिजन करते हो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया वाला जो कंपैरिजन है मतलब आईबीसी कोड का कंपैरिजन है तो ये कह रहे हैं कि पहले जो है एवरेज टाइम टू सेटल द बैंक्रप्सी केस लगभग छः साल लगते थे पहले वाले फ्रेमवर्क में लगभग छः साल लगते थे आज ये आपका पूरा डेढ़ साल के अंदर हो रहा है हालांकि एक साल वाली जो लिमिट है ये तो ब्रीच हो गई है बट स्टिल इट इज एक्सिलेंट इन टर्म्स ऑफ द स्पीड हियर एफिशिएंसी या स्पीड देखोगे तो बहुत अच्छा है कहां पे डेढ़ साल और कहां पे छह साल पहले जिस चीज को छह साल लग रहा था आज डेढ़ साल हो गया तो ऐसे ही इंडिया की जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव नहीं हुई है आई बी कोड काफी ज्यादा यहाँ पे इफेक्टिव हुआ है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आई कोड में समस्याएं नहीं है कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं ये दो चीजें और आप मैंशन कर सकते हो आई बी सी है सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म द अर्लियर बी आई एफ आर रिजीम है स्पीड ऑफ द रिजोल्यूशन और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि काफ़ी सारे केसेस में अगर हमें मिल रहा है डिले हो रहे हैं या फिर अमाउंट वो नहीं मिल पा रहा है या फिर लिक्विडेशन हो रहे हैं तो उस केस में ये कह रहे हैं कि पुराना वाला जो रजीम था बी वाला रजीम इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां थी जिनका प्रोसेस चल रहा था है ना चाहे वो रिजोल्यूशन का हो लिक्विडेशन का हो जो भी हो रिकवरी वाला ये जो प्रोसेस है चल रहा था लेकिन जब इसको स्क्रैप किया गया तो ये पूरा का पूरा जो केसेस यहाँ पे जो पेंडिंग थे वो कहाँ पे आ गए आईबीसी वाले में आ गए आई वाले फ्रेमवर्क के अंदर ये पूरे प्रोसेस आ जाते हैं तो पुराना जो बैकलॉग था वो भी यहाँ पे आ गया और पुराना बैकलॉग आया तो वो कैसा आया यहाँ पे ये यह कह रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि काफी सारी जॉम्बी फॉर्म्स हमारे पास आई है ना और ये चीज एनपीए जब हम पढ़ते हैं उसमें भी आता है देखिए हुआ क्या 2008 के अंदर जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ उसके बाद काफी सारी कंपनियों की कंडीशन खराब रही और वो इस, इस स्थिति में नहीं थी कि उन्होंने जो लोन लिया था उसको चुका सके तो बैंकों ने क्या किया उनका क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं तो उनको क्या दिया एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन करना स्टार्ट किया इसमें क्या होगा मान लीजिए किसी कंपनी ने लोन ले रखा है अब वो कंपनी कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है कि हम आपकी लोन की किस्त चुका सकें तो बैंक क्या करेगा उनको और लोन इशू कर देगा दूसरा लोन भी इशू कर देगा ताकि वो क्या करें उसकी ई दे सके मतलब आप क्या कर रहे हो लोन चुकाने के लिए लोन दे रहे हो जबकि उसके कंपनी के फंडामेंटल बहुत वीक हो चुके हैं और बहुत सारी जॉम्बी फॉर्म इस तरह से बनाई गई उनको अलाई रखा गया एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन्स किया गया जिसकी वजह से एन बढ़ता हुआ हमें दिखा तो ये 2008 से 15 के बीच में ये समस्या हमें देखने को मिली और इस वजह से काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज़ हैं है ना जिनका एन या जिनका जो कर्जा है बढ़ के बहुत ज़्यादा हुआ और इस इशू को ये कह रहे हैं कि वो जो बैकलॉग था है ना उसने भी प्रभावित किया आई की परफॉर्मेंस को तो हमें आई बी की परफॉर्मेंस को जब हम देख रहे हैं वी नीड टू एनालाइज आई परफॉर्मेंस इन दिस कॉन्टेक्स ऑल्सो ओवरऑल इस पूरे आर्टिकल का कंक्लूजन क्या है, ये कह रहा है कि इफेक्टिव रहा, रहा है और के रूप में. ये से क्या मतलब है इसको थोड़ा समझते हैं पहले क्या होता था इस कंपनी ने मान लीजिए लोन ले लिया इस कंपनी ने लोन ले लिया और इस बैंक ने यहाँ पे लोन दिया है ये सौ करोड़ रुपए यहाँ पे चले गए कंपनी लोन नहीं चुका पा रही है तो पहले क्या होता था ये टेंशन किसकी होती थी जो क्रेडिटर है जो बैंक है जिसने पैसा दिया है उसको ही सारी टेंशन होती थी कि यार मेरा पैसा फंस गया कैसे मुझे पैसा वापस लेना है दिस द द सिचुएशन बिफोर कोड कोड नाउ आफ्टर हैज अ काइंड ऑफ पैराडाइम पैराडाइम शिफ्ट शिफ्ट कैसा हुआ अब यहाँ पे फर्म को सारी टेंशन है जो बोरोवर है उसको सारी टेंशन है और जो क्रेडिटर है जिसने लोन दिया है पैसा दिया है दिस इज इन कंट्रोल पोजिशन वाई क्योंकि फर्म को पता है अगर मैं पैसा नहीं चुका रहा हूँ या चुका रही हूं ठीक है कंपनी अगर यहाँ पे पैसा नहीं चुकाती है इंडिविजुअल है तो अगर ये आपका आई कोड में इंसॉल्वेंसी बैंक बोर्ड ऑफ इंडिया के पास एन के पास कहीं पर भी किसी भी ट्रिब्यूनल में जाता है है ना प्रोसीडिंग चलती है और डिसीजन ये आता है कि आपका फर्म का जो कंट्रोल है उसके मैनेजमेंट के हाथ से चला गया है है ना तो वहाँ पे उनको ये डर है कि अगर ये पूरा आई कोड के अंदर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो हमारी कंपनी का कंट्रोल हमारे हाथ से चला जाएगा तो अभी हम कुछ भी करें कैसे भी हाथ पैर मारें और पैसा चुका दें तो ये क्या हुआ ये बहुत बड़ा शिफ्ट है बहुत बड़ा एक चेंज है तो ये जो लाइन लिखी है ना यहाँ पे इफेक्टिव इन डिसिप्लिनिंग डिवाइस डिसिप्लिन कैसे क्रिएट कर रहा है ये जो बोरोवर्स हैं उनमें एक डिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है कि हमें पैसा चुकाना है लेके बैठ गए उससे काम नहीं चलेगा अगर ये प्रोसीडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई तो हमारा कंपनी का कंट्रोल हमारे हाथ से चला जाएगा क्योंकि उस केस में क्या हो गए जो इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वो अपना डिसीजन लेंगे वो अपने हिसाब से किसी भी कंपनी के असेट को बेच सकते हैं किसी ऑपरेशन को बंद कर सकते हैं कुछ भी वो कर सकते हैं तो यहाँ पे ये इनके लिए बड़ा वो हो गया है ना कि अच्छा है हम अपने स्तर पे मैनेज कर लें चीज़ें तो पूरा प्रयास यहाँ पे कंपनीज़ के द्वारा किया जा रहा है तो ये एक सक्सेस है इसकी है ना सक्सेस ऑफ आई अगर हम देखेंगे देर हज बिन अ पैराडाइम शिफ्ट एग्जिस्टिंग डेटर इन पोजेशन टू ए क्रेडिटर इन कंट्रोल इसका ये मतलब है सो कंपनी यहाँ पे मैटर जाता है उससे पहले ही अपना पैसा चुकाने का प्रयास करती है बहुत बड़ा इशू है uh, मतलब बहुत बड़ी एक बात है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अगर हम बात करें तो स्ट्रेस द जो है इसकी रिकवरी रेट भी बढ़ी है आई से पहले ये ट्वेंटी सिक्स परसेंट थी आई के बाद फोर्टी एट परसेंट तक बढ़ी है आर भी कहता है कि एन के अंदर भी कमी देखने को आई है आफ्टर दिस आई कोड तो ये कुछ सक्सेस uh, हैं जिसको आप लिख सकते हो एक बड़ा टॉपिक है है ना लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को समझ नहीं आता है ना बिल्कुल सर के ऊपर से ही निकल जाता है तो ये टॉपिक हमने कवर किया है इसको थोड़ा अच्छे से आप देख लेना काफी सारे बच्चे तो गायब हो गए सर ने पता नहीं क्या पढ़ा दिया दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर वेदर वी टॉक इन टर्म्स ऑफ द द और मेंस और इंटरव्यू ठीक है तो गवर्नमेंट प्रोक्योर्स वीट ये वीट वाला भी इशू है और इस पर प्रॉब्लम में भी काफी सवाल पूछे हैं ओके okay, ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं इसलिए इस टॉपिक को भी हम अच्छे से कवर करेंगे आ, इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है देखिए गवर्नमेंट कैसे वीट जो है प्रोक्योर करती है मतलब फार्मर से कैसे खरीदती है एफ कर रही है ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो क्या ये प्रोसेस है किस तरह से होता है कौन इसका एक्सपेंस बियर करता है ये पूरी चीजें गवर्नमेंट प्रोक्योर फूड ग्रेन चाहे वो राइस वीट है या फिर कोरस ग्रेन है टू तो एंश्योर फार्मर रिसीव द मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो प्राइस है जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है फाइन और जिस प्राइस पे गवर्नमेंट फार्मर से उसको खरीदेगी फार्मर से उस प्राइस पे वो खरीदती है वो होती है एमएसपी सीएसीपी के द्वारा रिकमेंडेशन दिया जाता है एमएसपी का फाइन उस उसपे भी हम आएंगे सीएसीपी के द्वारा रिकमेंडेशन दिया जाता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ये रिकमेंडेशन देता है एमएसपी का जैसे अगर आप देखोगे अभी वीट के लिए जो एमएसपी इन्होंने अनाउंस किया हुआ है वो लगभग आपका आ रहा है <coughs> रुपी, uh, 2015 पर क्विंटल ठीक है पर क्विंटल पे लगभग दो हजार रुपए के आसपास किया है तो ये क्या देता है सीएससीपी केवल रिकमेंडेशन देता है फाइनल डिसीजन किसके यहां में होगा तो फाइनल डिसीजन ये लेंगे रिकमेंडेशन सी एस सी पी ने यहां पे दिया है इसको ध्यान रखना ऑलरेडी क्वेश्चन यहां पे भी प्रॉब्लम्स में पूछा गया है अब हम आते हैं ये एमएसपी आपको समझ आया तो ये इस पर करेगी स्टॉक इज में टू डिस्ट्रीब्यूट द पुअर अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड अदर स्कीम्स तो जो हमारा पीडीएस है अभी जो अगर हम बात करें टारगेटेड पी है इसमें लगभग अस्सी करोड़ इट्टी प्लस करोड़ लोग हैं उनको सब्सिडाइज फूड ग्रेन भारत सरकार की तरफ से मिलता है और बहुत सारी स्कीम है जैसे हमने देखा कोरोना के टाइम पे जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत एक गरीब कल्याण अन्य योजना थी उसके अंदर भी दिया गया था तो जितनी भी स्कीम्स हैं उसके लिए जो सब्सिडाइज फूड ग्रेन वितरित करना होगा डिस्ट्रीब्यूट करना होगा इसलिए गवर्नमेंट इसको खरीदती है एफ सी आई अलॉन्ग स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी प्रोक्योर वीट एफ सी आई यहाँ पे करती है और स्टेट गवर्नमेंट की जो एजेंसी है दोनों यहाँ पे वीट को खरीदती हैं फार्मर्स अब जो एफ सी आई का वीट प्रोक्योरमेंट सिस्टम है ये डिसेंट्रलाइज भी हो सकता है और ये सेंट्रलाइज भी हो सकता है दो तरह से है डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज सेंट्रलाइज वाले पे हम आ रहे हैं पहले सेंट्रलाइज के अंदर क्या होगा द प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन इज अंडरटेकन इधर बाई एफ सी आई डायरेक्टली या तो एफ सी आई डायरेक्टली फार्मर से खरीद लेगा या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो खरीदेंगी फिर स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी को रीएम्बर्स किया जाएगा जो भी कोस्ट है अगर आप इसको देखोगे पर क्विंटल पर लगभग दो हजार रुपए के आसपास एक्सपेंसिस रहते हैं इनके तो वो री एम्बर्स एफ सी आई करेगा सेंट्रल पुल रेफर्स टू द स्टॉक्स प्रोक्योर्ड थ्रू एम एस पी ऑपरेशन फॉर वेलफेयर स्कीम एंड कलामिटी रिलीफ तो सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट में ये रहेगा और यहाँ पे अगर स्टेट जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं एस हैं वो अगर प्रोक्योर कर रहे हैं प्रोक्योर्ड बाई एस इज हैंडेड ओवर टू एफ फॉर स्टोरेज एंड सब्सिक्वेंट इशू अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलोकेशन इन द सेम स्टेट तो यहाँ पे क्या करते हैं गवर्नमेंट क्या करती है एफ के थ्रू स्टेट को अलोकेट करती है तो यहाँ पे क्या करेंगी स्टेट जो एजेंसीज हैं वही खुद ही इस तरह से अपना वो कर लेती हैं डायरेक्ट फाइन द कॉस्ट ऑफ़ फूड ग्रेन प्रोक्योर्ड बाई द स्टेट एजेंसी वो रियम्बर्स की जाएगी एफ को क्लियर सेंट्रलाइज सिस्टम जैसे पंजाब है हरियाणा अब यहाँ पे क्या होता है हरियाणा पंजाब है है ना यहाँ पे एफ टी आई या स्टेट एजेंसी प्रोक्योर करती है वीट फ्रॉम फार्मर्स थ्रू अड़तियाज अड़तिया क्या है कमीशन एजेंट है और इसको लेके आपने देखा होगा प्रोटेस्ट भी हुआ था और पंजाब हरियाणा के अंदर ही मेन प्रोटेस्ट क्यों था क्योंकि यहाँ पे अड़तिया जो है वो एक मेजर फैक्टर वहाँ पे थे और प्रोक्योरमेंट भी सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट यहीं से करती है वीट और राइस के रिगार्डिंग अगर आप देखोगे दैट वाज अगेन वन ऑफ द मेजर रीजन कि ये जो फार्मर के प्रोटेस्ट थे क्यों इसी रीजन तक ज्यादा सीमित थे है ना इंडिया में और कहीं देखने को नहीं मिला उसी रीजन में मिला तो जो अड़तिया जो कमीशन एजेंट्स हैं उनके थ्रू आपके यहाँ पे एफ या स्टेट एजेंसी प्रोक्योर कर रही है मतलब फार्मर से डायरेक्टली डायरेक्टली नहीं कर रही है फार्मर पहले मंडी में जाके अड़तिया को दे रहे हैं अड़तिया से फिर ये यहाँ पे ले रहे हैं इन अदर स्टेट्स वीट या राइस जो होता है वो डायरेक्ट यहाँ पे फार्मर से लिया जाता है वो स्टेट एजेंसी हो या एफ सी आई हो लेकिन पंजाब और हरियाणा के केस में अड़तियाज यहां पे बीच में है क्लियर तो आपको फार्मर प्रोटेस्ट का थोड़ा सा मैकेनिज्म याद आ रहा होगा डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट में क्या होगा स्टेट गवर्नमेंट यहां पे प्रोक्योर करती है स्टोर डिस्ट्रीब्यूट करती है अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज अलोकेशन फॉर टी डी पी एस एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स और इसके लिए इसको वो अगेन रीएम्बर्स किया जाएगा ठीक है ना एक्सेस जो स्टेट एक्सेस जो प्रोक्योरमेंट है ठीक है ना क्योंकि काफ़ी सारे स्टेट जो होंगे मान लीजिए एक तो गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारे स्टेट जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह है उसमें एक्स्ट्रा कुछ अलोकेशन दिए जाते हैं ना अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल तो उसके लिए स्टेट एजेंसीज जो हैं यहाँ पे इस तरह से करती हैं अपनी प्रोक्योरमेंट और जो एक्सेस में होता है उसको एफ को दे दिया जाता है है ना और एफ उसके लिए वो पैसा दे देता है उनको एक्सपेंस किस किस तरह के रहेंगे एक्सपेंस रहेंगे जैसे एम हो गया अड़तिया कमीशन हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हो गए मंडी लेबर चार्ज हो गए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हैं कस्टडी मेंटेनेंस चार्ज है इंटरेस्ट चार्ज है, है गिनी कोस्ट हो गया बैग वगैरह के लिए मिलिंग uh, चार्ज हो गया स्टेट्यूटरी टैक्सेस ये सब रीएम्बर्स किए जाते हैं ऑन एक्चुअल बेसिस और एफ uh, इसको इस तरीके से कर रहा है तो ये कौन कौन सा पैसा खर्चा हो रहा है ये भी आपने देख लिया और लगभग देखोगे दो पर क्विंटल यहाँ पे है एम एस पी ठीक है सो दिस शुड बी टू फाइव डबल एट पर क्विंटल है ना इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द वीट तो ये जो डिफरेंस आ रहा है दो हजार पंद्रह और इसके अंदर तो ये आपको पता चल जाएगा एक्स्ट्रा जो कॉस्ट है विद द एक्सेप्शन ऑफ 2020 अगर आप देखोगे 2020 के एक्सेप्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो अब पंजाब जो है हमेशा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है सेंट्रल पूल ऑफ वीट के अंदर सेंट्रल पूल ऑफ वीट के अंदर फॉलोड बाय स्टेट्स लाइक हरियाणा मध्य प्रदेश एंड ऑल एफ सी आई डिफाइन इकोनॉमिक कोस्ट एज द टोटल कोस्ट इंक्लूडिंग द एक्विजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कोस्ट तो एक्विजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कोस्ट के अंदर ये दोनों चीजें आप किया जाएंगी सो दिस इज द थिंग हियर और ये पूरा लगभग आपका आ रहा है ढाई हज़ार को भी क्रॉस कर गया टू फाइव डबल एट पर ठीक है तो एक्विजिशन ये एम आपने किया और फिर ये जो इतनी चार्ज आ रही है ये सारी इकोनॉमिक कॉस्ट जो हमने चर्चा की थी वो इसमें इंक्लूड हो गया है इट इंक्लूड्स एम इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट कमीशन कॉस्ट ऑफ बैगिंग ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा मतलब ये जो चीज़ें हमने चर्चा की थी वो कॉस्ट अगर ऐड होती है 2015 में तो ये लगभग पच्चीस सौ अब ये रटने वाली चीज़ नहीं है बट इसमें ये कॉस्ट ध्यान रखना कौन कौन सी ऐड कर रहा है एफ सी आई इज पैक द इकनॉमिक कॉस्ट ऑफ द वीट फॉर करंट सीजन दिस इज अब इसमें होता क्या है देखिए ये पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर भी है गवर्नमेंट लगभग ट्वेंटी थ्री कमोडिटीज के लिए अपना एम एस पी अनाउंस करती है शुगर के इन के लिए एफ आर पी अनाउंस होता है एफ आर पी जो है दिस इज डिफरेंट वहाँ पे वो जो प्राइस अनाउंस किया जाएगा उस पर शुगर मिल खरीदेंगी गवर्नमेंट नहीं खरीदेगी शुगर मिल उस कम उससे कम प्राइस ऑफर नहीं करेंगी शुगर के इन के लिए सो दिस इज द एफ आर पी विच इज डिफरेंट इन द सेंस अब एम कौन कौन सी क्रॉप पे दी जा रही है ये आपका होमवर्क है इसका होमवर्क है कि कौन कौन सी क्रॉप पे एम अनाउंस करती है सरकार अब सरकार यहाँ पे अनाउंस करती है इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार जो है गवर्नमेंट इज अंडर कंपल्शन है ना टू बाई दैट पर्टिकुलर कमोडिटी उस पर कंपल्सन नहीं है आ, और इसी पे चर्चा हुई थी कि अगर आप इसको लीगल राइट right बना देते हैं तो फिर गवर्नमेंट क्या हो जाती है कंपल्शन हो जाता गवर्नमेंट पे अगर कोई भी फार्मर आ रहा है तो गवर्नमेंट को खरीदना ही पड़ेगा वो चीज़ सस्टेनेबल नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि देखिए गवर्नमेंट को कितना स्टॉक रखना है बफर स्टॉक कितना रखना है अगर आप देखोगे अप्रैल और अक्टूबर अलग अलग महीने में अलग अलग, अलग बफर स्टॉक की सीमा है तो अप्रैल के अंदर कितना होना चाहिए लगभग सेवनटी फोर लैख टन ऑफ वीट होना चाहिए बफर स्टॉक के रूप में मेंटेन होना चाहिए कि अगर कोई भी सिचुएशन होती है मतलब मान लीजिए स्टॉक की कमी हो गई प्रोडक्शन कम हो गया है ना ड्रॉट लाइक सिचुएशन है तो आपके पास एक्स्ट्रा फूड ग्रेन होना चाहिए सप्लाई के लिए तो ये बफर स्टॉक मेंटेन किया जाता है जो सेवेंटी फोर टन है अभी इंडिया के पास कितना है लगभग 189 टन है जो कि ढाई गुना है मतलब जितना हमारा बफर स्टॉक होना चाहिए उससे भी ज़्यादा 2.5 टाइम्स हमने क्या किया हुआ है बफर स्टॉक ले रखा है और अगर गवर्नमेंट और ज़्यादा यहाँ पे खरीदती है उसको इकट्ठा करती है तो वो काम क्या आएगा आप देखेंगे मार्केट डिस्ट्रोक्शन भी होंगे एफ कॉस्ट भी इनकर करेगा इतने गोडाउन भी नहीं है तो वहाँ पे वो जो फूड ग्रेन है वो रॉट होना स्टार्ट होगा सड़ना स्टार्ट होगा चूहे खा रहे हैं वेस्टेज बहुत ज़्यादा होगा तो ये चीज़ें भी देखने वाली चीज़ है अभी आप देखेंगे तो गवर्नमेंट के पास में गवर्नमेंट यहाँ पे पुश कर रही है फार्मर को कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हो क्योंकि आपको एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो सप्लाई आपकी कम हुई है नेक्स्ट <coughs> आते हैं साइंस एंड टेक पे तो ये आज थोड़े से दो बड़े टॉपिक थे है ना आ, हो सकता है आपको थोड़ा इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा हो लेकिन टॉपिक जो है दोनों ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए हमने थोड़ा सा इनको डिटेल में किया है बिकॉज दी बोथ ऑफ दिज टॉपिक्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और जनरली होता यह है कि बहुत कम कॉन्टेंट ऐसे टॉपिक पे हमें मिलता है साइंस एंड टेक पे आते हैं वाघ जो है ये सबमरीन इसको जो है इंडक्ट यहाँ पे किया है ये लॉन्च कर दी गई है अब इसको सी ट्रायल के बाद बिल्कुल आ, ऐड किया जाएगा तो वाघ क्या है इसको थोड़ा देख लेते हैं ये सिक्स सबमरीन है प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव की पी सेवेंटी फाइव जो प्रोजेक्ट है इसकी ये सिक्स सबमरीन है पी सेवेंटी फाइव प्रोजेक्ट क्या है इसके अंदर जो इंडियन नेवी के अंदर कालवरी क्लास की जो सबमरीन है उनको ऐड किया जाएगा और ये हैं सिक्स डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हैं ओके और कौन कौन सी सिक्स सबमरीन यहाँ पे रहेंगी है कालवेरी खंदेरी करांच वेला वागशीर और वागीर छ हैं अगर इन छे को आप देखोगे तो इसके अंदर भी आपके कमीशन हो चुके हैं कालवेरी खंदेरी करांज, वेला ये तो कमीशन हो चुके हैं वगैर आपका सी ट्रायल चल रहा है इसको भी लॉन्च कर दिया गया था है ना तो लास्ट जो थी ये वाक्शीर थी वाक्शीर थी छठी और इसको भी इन्होंने क्या किया अभी आ, कुछ दिन पहले इन्होंने इसको भी लॉन्च कर दिया है सी ट्रायल के बाद में एक्सटेंसिव इसकी ट्रायल के बाद में इसको इंडक्ट कर दिया जाएगा तो ये प्रोजेक्ट जो 75 है पी सेवेंटी फाइव जो है इसके अंतर्गत ये ऐड किए जा रहे हैं, और इसके ये हम आ, बना रहे हैं फ्रेंच आ, सहयोग से फ्रेंच और स्पेनिश आ, जो शिपिंग आ, ये बिल्डिंग आ, फर्म है उनके सहयोग से हम इसको बना रहे हैं तो ये कुछ चीजें आप ध्यान रखिए प्रॉब्लम्स के स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट रहेगा वाकशीर आपका कोरोना की वजह से थोड़ा डिले रहा है वाक्शीर जी जो नाम पड़ा है सेंड फिश की वजह से पड़ा है जो कि डीप सी प्रीडेटर है इंडियन ओशन के अंदर पहली सबमरीन जो है रशिया से कमीशन की गई थी फिर वापस उसको डीकमीशन किया गया और फिर अभी ये नया वाला वर्जन लेके आ रहे हैं वाक्शीर का और क्या क्या ये कर सकता है वारफेयर अगेंस्ट द एडवर्सरी ये ब्लॉक कर सकता है सी के एक्सेस को फाइन टॉर्पीडो काउंटर मीजर सिस्टम भी इसमें है और लगभग अट्ठारह के आसपास पास ये लेके चल सकती है दिस अगेन यूज स्टिल्थ uh, फीचर है मतलब इसको डिटेक्ट करना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा एंटी सबमरीन वारफेयर इंटेलिजेंस गैदरिंग एंटी सरफेस वॉरफेयर हर तरह से इसका मल्टीपर्पज यूज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो दीज आर सम ऑफ़ द थिंग्स यू शुड बी अवेयर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट है है ना सुपीरियर स्टेल्थ फीचर है तो इतनी आसानी से इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है ना काफ़ी सारा एब्जॉर्ब ये कर ले रही है नॉइज uh, लेवल भी इसके कम है एबिलिटी टू द क्लिप क्रिपलिंग अटैक इज़ देयर बट इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल किया ही नहीं जा सकता इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट दिस दिस इज अ काइंड ऑफ सुपीरियर फीचर हियर एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज पे आते हैं अगेन एक प्रलिम स्पेसिफिक पॉइंट है देखिए कल अर्थ डे था और हमने चर्चा भी की थी कि किस तरह से अर्थ डे को जो है uh, एक तरह से ऑब्जर्व किया जाता है सेलिब्रेट किया जाता है टू क्रिएट द अवेयरनेस अमंग द पीपल

वैसे अगर अर्थ डे देखोगे तो 1970 से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं अगर यूएस के अंदर अगर देखा जाए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर से चर्चा में है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहले भी चर्चा में आए थे जब हमने देखा था कि इस बार ठंड बहुत तेज पड़ी है ना सर्दी में बारिश भी अच्छी हो गई थी और हमने देखा था कि नॉर्थ इंडिया के अंदर सर्दी बहुत तेज थी कड़ाके की ठंड थी और कोल्ड वेव जैसी सिचुएशन थी अब हम देख रहे हैं कि मार्च के अंदर ही हीट वेव देखी गई हैं है ना? तो डायरेक्ट तो तो जो जो में क्वेश्चन के लिए पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस समझते हैं पूरे टॉपिक पे तो देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या एक है एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म है जो ट्रॉपिक्स के बाहर है ना ट्रॉपिकल क्या है ट्रॉपिक्स हो गए ट्वेंटी थ्री एंड हाफ नॉर्थ ट्वेंटी थ्री एंड हाफ साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ट्रॉपिक के बाहर ये ऑरिजिनेट हो रहा है जनरली मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर तो ये आपको यहां पे दिखेगा दिस इज द मेडिटेरेनियन सी यहां पे ये आपका ऑरिजिनेट इस तरह से होता है ठीक है और जो एयर है ठीक है वो ऊपर इस तरीके से उठेगी और इस तरीके से इंडियन जो कॉन्टिनेंट है सब कॉन्टिनेंट है इस तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी तो यहाँ पे मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर है विच बिंग द सडन सडन विंटर रेन टू द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया और आगे तक ये जाता है मॉइस्चर जो है अपर एटमॉस्फेयर में ये कैरी करते हैं अनलाइक द ट्रॉपिकल काउंटर पार्ट्स जिसमें ट्रॉपिकल जो साइज uh, ये होते हैं इसके अंदर लोअर एटमॉस्फेयर में पूरा मॉइस्चर कैरी किया जाता है या अपर एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो ये इस तरीके से जब इंडिया की तरफ यहाँ पे आ रही हैं है ना कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ से ऑरिजिनेट हो रहा है और मॉइस्चर ले रहा है मेडिटेरेनियन से ले रहा है ब्लैक सी से ले रहा है कैस्पियन सी से ले रहा है हर जगह से ये मॉइस्चर लेता हुआ इस तरफ आ रहा है और यहाँ पे आके हिमालयाज हिमालयाज हैं यहाँ पे हिमालयाज से ये इस तरह से हिट करेगा और मॉइस्चर को जो है रिलीज करेगा तो इंडिया के अंदर हम देखते हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर अप टू गेंजेटिक प्लेन्स आगे तक बंगाल तक भी जाता है सम पार्ट्स ऑफ द सदर नेपाल ऑल्सो बांग्लादेश ऑल्सो वहाँ पर क्या करता है विंटर के अंदर रेन क्रिएट करता है विंटर में जो रेनफॉल होता है उसके लिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रेस्पॉन्सिबल है ये नॉन मानसूनल रेनफॉल है मानसून में जो अभी रेनफॉल होगा मतलब जून में इंडिया में स्टार्ट होगा तो ये साउथ वेस्ट मानसून है कौन सा है साउथ वेस्ट वेस्ट मानसून है इस तरह से ये हिट करेगा और यहाँ वेस्टर्न घाट से हिट करके यहाँ पे ये होगा ठीक है दो ब्रांच इसकी बनेगी बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी ब्रांच तो ये तो हो गया मानसून वाला ये मानसून वाला नहीं है ये नॉन मानसूनल रेनफॉल है इस तरह से ये आपका करता है क्रिएट और मॉइस्चर हर जगह से ये ले रहा है मेडिटेरेनियन कैस्पियन और इन सब से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आर मोर फ्रिक्वेंट स्ट्रॉन्गर इन द विंटर सीजन विंटर सीजन में ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि तो जो टेम्परेचर का कॉन्ट्रास्ट है वो ज़्यादा मिलेगा विंटर के अंदर और विंटर में ही हमें रेनफॉल देखने को मिलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रूशियल है रबी क्रॉप के लिए रबी क्रॉप के लिए है बिहार और इस पूरे रीजन तक आपकी बारिश होती है बहुत अच्छी और वीट का कल्टीवेशन यहाँ पे होता है अब हो क्या रहा है फ्रिक्वेंसी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की है ये तो इंक्रीज हो गई है मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ तो बार बार रहे हैं लेकिन इसके अंदर जो प्रेसिपिटेशन इनसे रिलेटेड है वो कम हो रहा है इसमें बारिश कम हो रही है क्यों क्योंकि ये इतने स्ट्रांग नहीं रह गए हैं पहले जितने तो स्ट्रांग थे उतने नहीं रह गए अगर यहाँ पे हम एक्सपर्ट्स की चर्चा करें तो वो यही कह रहे हैं कि हो क्या रहा है बाय द वर्च्यू ऑफ वार्मिंग द एटमोस्फियर एटमोस्फियर जिस गति से तेज तेजी से वार्म हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से देर इज लेस अमाउंट ऑफ मॉइस्चर अवेलेबल टू प्रेसिपिटेट फाइन प्रेसिपिटेशन के लिए लेस अमाउंट ऑफ मॉइस्चर आपका बच रहा है इसीलिए हम देखेंगे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आ तो रहे हैं लेकिन ये एक तो एलिवेशन में भी ऊपर जा रहे हैं और मॉइस्चर भी कम क्रिएट कर रहे हैं ठीक है और इसके अंदर जो फ्लक्चुएशन देखे जा रहे हैं उसको आप दिल्ली से कैसे लिंक करोगे देखिए दिल्ली का वेदर है उससे लिंक कैसे करेंगे दिल्ली की हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूपीएससी ने ऑलरेडी दिल्ली को टारगेट करके क्वेश्चन पूछा हुआ है आई थिंक पॉल्यूशन से रिलेटेड है क्लाइमेट पे भी कुछ आ, उसका रोल था तो उससे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है इसलिए हम यहाँ पे इसको देख रहे हैं सो so, हम देखेंगे कि नवंबर में देर वॉज अ लिटिल रेनफॉल स्नोफॉल ओवर द वेस्टर्न हिमालयाज दो इंटेंसिटी ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यूजली इंक्रीज इन द नवंबर तो इंटेंसिटी uh, की को हमने देखा लेकिन यहाँ पे रेनफॉल उतना नहीं हो पाया मार्च के अंदर भी हम देखेंगे कि डिक्रीज uh, होना स्टार्ट हो जाती है इसकी तो मार्च के अंदर जो रेनफॉल uh, या जो मॉइस्चर एटमोस्फेयर में होना चाहिए वो नहीं मिल पाया और यहाँ पे हमें टेम्परेचर uh, बहुत ज्यादा देखने को मिले ठीक है ना टेम्परेचर बहुत ज्यादा देखने को मिले मल्टीपल वेस्टर्न डिस्टर्बेंसिस दैट ब्रॉट क्लाउड कवर एड ऑल्सो द मैक्सिमम टेम्परेचर लो इन द फेबररी तो फेब्रवरी के अंदर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफ़ी सारे आ रहे थे जिसकी वजह से क्लाउड कवर वज देयर फरवरी में टेम्परेचर कम थे लेकिन मार्च में सिचुएशन चेंज हुई और मार्च में टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुए तो एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ल्यूड द नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन द मार्च मार्च में ये नहीं आए जिसकी वजह से टेम्परेचर आपके इंक्रीज हुए तो ये थोड़ा सा लिंक हमने किया दिल्ली के वेदर से ओवरऑल आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ध्यान होना चाहिए किस तरीके से ये चलते हैं कैसे क्या कर रहे हैं आज आपका क्वेश्चन है परफॉर्मेंस ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक कोड हैज बीन अंडर इंटेंस स्क्रूटनी क्रिटिकली एनालाइज तो आपको पहले बताना है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड क्या है क्यों लाया गया एंड दिस वुड बी काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन 250 वर्ड्स में आप लिखिए इसको फिर इसके क्या फ़ायदे हुए क्या क्रिटिसिज्म हो रहा है फिर फाइनली कंक्लूड कीजिए कि क्या क्या अच्छा किया जा सकता है सो दिस इज द क्वेश्चन हियर इसके अलावा इस टेलीग्राम पे आप जुड़े रहिए जहाँ पे आपको पी इस सेशन के प्राप्त हो जाते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ एन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको घर बैठे कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन का मौका मिल रहा है और अगर आप ये आप 25 अप्रैल से पहले अगर आप ले रहे हैं यू विल बी गेटिंग दिस बुकलेट्स लेट्स है ना जिसमें थाउजेंड्स ऑफ एनसी क्यूज एंड आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर योर यू पी एस सी प्रपरेशन स्पेशल सो सब्स्रिप्शन लिंक्स आर देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कीजिए पुड द कोड आर बी लाइक टू गट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड पर्सनाल गाइडेंस सो मेक श्योर गोइंग फॉर सब्सक्रिप्शन यू आर यूजिंग दिस कोड आइकॉनिक के लिए भी आप जा सकते हैं या आइकॉनिक की फी स्ट्रक्चर यहाँ पे है आइकॉनिक पे आपको लाइव मेंटरशिप के बेनिफिट मिलते हैं केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो केवल ऑप्शनल की ये फीस है और सत्ताईस अप्रैल से नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं जिनमें आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं जीरो परसेंट ऑप्शन इज ऑल्सो देयर और चौबीस अप्रैल को मतलब कल आपका ये फुल लेंथ टेस्ट कंडक्ट हो रहा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है ठीक है ऑफलाइन भी अवेलेबल है राजेंद्र नगर मुखर्जी नगर के अंदर ऑफलाइन भी अवेलेबल है ऑलरेडी मैंने लिंक इसके प्लेस किए हुए हैं यू हैव दिस टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे मैंने इसका लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो फ्री है और ऑफलाइन अगर आप नहीं दे सकते तो ऑनलाइन इसको देना है ज़रूर देना है सभी बच्चों को ठीक है अगर आपने छः महीने भी तैयारी की है स्टिल यू शुड गो फॉर दिस एग्ज़ाम हयर एटलीस्ट सिक्सटी परसेंट आपका सिलेबस आपने गो थ्रू हुआ है यू कैन डेफिनेटली अटैम्प्ट फॉर दिस आई पी एल की फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है इसमें आप एनरोल कर सकते हैं अगेन द लिंक्स आर देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड टमारो विल बी हैविंग द क्लास ऑन द इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक का एक मैराथन सेशन हम रखेंगे कल वाली क्लास में और कल आपका एक स्पेशल क्लास भी है बैंकिंग पे इकोनॉमी वाली सो विल ट्राई टू कम्प्लीट सिलेबस ईयर सिमिलरली विल भी क्रिएटिंग द सेशन फॉर करंट अफेयर ऑल्सो तो अभी के लिए तो ये आपकी टेस्ट सीरीज है इस पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं मॉक इंटरव्यू एंड अकेडमी कंडक्ट करा रहा है इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं सो दिस इज ऑल डोंट फॉर्गेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल द बेस्ट हैवे अ ग्रेट